हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर चेतना सिंह। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नी रिहैबिलिटेशन के बारे में। नी रिप्लेसमेंट के बाद यानी घुटने को बदलवाने के बाद आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है, कैसे कैसे एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन होता है और कौन सी सावधानियां यानी प्रिकॉशंस लेने होते हैं, इसकी पूरी जानकारी आप। नी रिहैबिलिटेशन को डिवाइड किया गया है 5 फेजेस में, फेज 1 टू फेज 5। इन फेजेस में वीक वाइज इन फेजेस को डिवाइड किया गया है, बट हर पेशेंट के लिए ये डिफरेंट होता है, यानी डिपेंड करता है पेशेंट की कैपेबिलिटी पे, स्ट्रेंथ पे, कि पेशेंट कितनी जल्दी फंक्शनल एक्टिविटी में आता है। तो इन फेजेस के जरिए जो आपका नी रिहैबिलिटेशन होता है वो होगा आपके कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में। बात करते हैं नी रिहैबिलिटेशन के फेजेस के बारे में। फर्स्ट फेज होता है 0 to 2 weeks का, यानी कि ऑन द डे ऑफ सर्जरी से लेके अगले 2 हफ्ते तक का समय। इन फर्स्ट फेज में आपकी कुछ बेसिक एक्सरसाइज होती है, कुछ प्रिकॉशन फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में करने होते हैं। से फेज 2 होता है, फेज 2 का समय रहता है 2 वीक से लेके 4 वीक तक का समय, यानी लगभग आपके सर्जरी के 15 दिन बाद से लेके 1 महीने तक का समय। इसमें भी बेसिकली सेम एक्सरसाइजेस जो आपने फेज 1 में की है वो कंटिन्यू रहती हैं, साथ ही साथ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की प्रोग्रेशन धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा फेज होता है हमारा 4 to 6 weeks का, और इसी तरह से फेज 4 and 5 होते हैं हमारे 6 to 8 weeks एंड लास्ट फेज इज 8 to 12 weeks। तो जो हमारा फेज 4 और 5 है उसमें हम एडवांस एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देते हैं ताकि पेशेंट की जो मसल्स हैं उनमें ताकत आ पाए, स्ट्रेंथ आ पाए, साथ ही साथ पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़े, पेशेंट की वॉक का जो टाइम है वो भी बढ़ा दिया जाता है, साथ ही साथ पेशेंट की एक्सरसाइजेस का भी प्रोग्रेशन कर दिया जाता है। और अराउंड 4 to 5 फेज के बीच में आप अपनी नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटीज में वापस आ जाते हैं, यानी कि जो डेली एक्टिविटीज है वो पेशेंट अपनी रिगेन कर लेता है।